है वो मैच, वहां से वापसी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें हम इंडिया पाकिस्तान मैच की, वहां पर भी बाबर आजम और रिजवान की एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन उसको तोड़ा और फिर मैच वहां पर खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ऐसा हुआ था कि उनकी भी एक अच्छी पार्टनरशिप थी। क्या यहां पर भी ये पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी क्या यही रही आकाश भाई और शोएब भाई कि टीम इंडिया ने कभी भी हार नहीं मानी और बहुत सारी जगह से मैच को अपनी तरफ खींच के लेकर आई? शोएब, यू गो फर्स्ट। देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पे 350 पे 350 होता है। जस्ट इमेजिन फॉर वन सेकंड, यहाँ 350 होता और न्यूजीलैंड क्या करती जी। तो यहाँ पे आजकल के डे एंड एज में 350 पे 350 होता है। ये बात आप मानोगे कि न्यूजीलैंड ने आज बुरी बॉलिंग की जी, आखिर में बिल्कुल ही वो अपना ढिला छोड़ गए अपने आप को। उन्होंने एक्स्ट्रा 50 रन दे दिए जिसकी वजह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ गया है। देखें, इंडियन बॉलिंग 300 तो करवा सकती है, वो चले आज डे एंड एज की बात के हिसाब से, दायरों के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंडियन बॉलिंग 400 नहीं करवा सकती। जहां बुमराह हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, शामी हो, सिराज हो, पांच ही बॉलर है ना यार जी, छठा बॉलर तो नहीं खेल रहा ना यहाँ पे। तो जब इंडियन बॉलिंग 300 करा सकती, 400 नहीं करवा सकती। तो ये मैच, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कह रहे थे यार देखिए मैच पलट जाएगा, मैंने कहा नहीं, खाब देख रहे हो, पलटे वलटे का कोई नहीं। हाँ, थोड़ी थोड़ी सांस ऊपर नीचे इंजन की जरूरत करेंगे ये लोग, लेकिन क्योंकि ये गोरा है, गोरा गिव अप नहीं करता, गोरा लड़ता रहता आखिर तक, जब तक काम चलता रहे वो चलाता रहता है। वो हमारी तरह नहीं हाथ खड़े कर देता है, पहले से एजम्पशन कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, जहां पे भी जैसे इस मैच में जो सबसे बड़ी फतह ये थी कि शामी ने आते साथ ही ब्रेक थ्रू दिया जी, दो विकेटों का जी, ये ले जी पकड़े। और जब उसने कैच ड्रॉप किया तो मैंने कहा वो मारे गए भाई, तो ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि अगर मिचेल और केन खेल जाते हैं ना 10 ओवर और, तो भाई मुसीबत हो जाती। लोग कह रहे हैं जी आखिरी T20 आ गया, आखिरी T20 बन जाएगा। T20 में भाईजान पहले दायरे में 2 बार होते हैं, नया बॉल होता है T20 में, ठीक है 180-90 करना, वो नया बॉल, दो नए बॉल, दो फिल्डर बाहर, तब कहीं काम जाके चलता है। वो T20 नहीं, ये 170 करना 78 बॉलों पे खाला जी के घर नहीं है। सो मसला ये है कि देखें, इंडिया जिस तबीयत से इंडिया क्रिकेट खेला है, जिस तरह हिंदुस्तान ने क्रिकेट को, वनडे क्रिकेट को खेलना सिखाया है दूसरों को, वैसे ही खेलना पड़ेगा आपको इनके साथ जी। अगर आपके पास इस तरह पूल ऑफ टैलेंट आपके पास नहीं है, मुझे ये बता दें कि हिंदुस्तान का जो टैलेंट है, जो बेंच पे बैठा हुआ है, वो प्लेइंग में लोगों के पास नहीं है जी। तो फिर ऑब्वियसली यार, इस टीम को अगर फाइनल में कौन रोक सकता है जाने से, मुझे ये समझ नहीं आता। और देखें, जश्न लोग मना रहे हैं, क्यों ना मनाएं, मनाना भी चाहिए खुशी का दिन है। और आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस, यू शुड गाइस हैव अ लॉट ऑफ फन टुनाइट। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज ऐड करूं इसके अंदर।